सो नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि सैमसंग की भैंस पानी में कैसे जा रही है। ठीक है, तो आज जो है यूएम टीम ने भी बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। ये अपडेट पहले आया था 2-1 दिन पहले, लेकिन मेरी जो है वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा मसला रहता है। लेकिन आगे से आशा करते हैं कि वीडियो टाइम टू टाइम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं एज अ सैमसंग यूज़र बात करता हूँ। मान लो मैं सैमसंग का फ़ोन चला रहा हूँ, तो यार ये कर क्या रहे हैं? मतलब बराबरी एप्पल की कीमत की बराबरी करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ही वीक हो रही है। ठीक है, और इस चीज़ पे इनको बहुत सुधार करना चाहिए। तो अब एक्चुअल में जो मैं हूँ उसके बारे में बात करते हैं भाई, एज अ टेक्नीशियन बात करते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त अपडेट आपको UMT में देखने को मिला है कि UMT के जो क्वालकॉम सेट हैं, और इसमें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें आपकी जो सारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका हल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इस वेबसाइट का नाम है फाइलवाले.com, और यहाँ पे आपको जो भी सारी पेड फाइलें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो भी सारी टेस्टेड फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिसेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इनका जो रेगुलर अपडेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये देखिए 13 तारीख का अपडेट है, तो ये कम से कम 150-200 फाइलें पर डे यहाँ पे अपडेट होती हैं। और सबसे भी जो मेन चीज़ है इस वेबसाइट की, वो है रिक्वेस्ट फाइल में। अगर आपको कोई फाइल कहीं नहीं मिल रही है तो आप रिक्वेस्ट फाइल में डाल देंगे, वो जल्द से जल्द आपको जो फाइल्स है वो इस वेबसाइट पे आपके शो हो जाएगी। ठीक है, इसका जो प्राइसिंग है दोस्तों, वो प्राइसिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इससे सस्ती आपको कहीं पे वेबसाइट नहीं मिलेगी, और इसमें कोई भी आपकी GB की लिमिट नहीं है। डेली लिमिट मिलती है 10 फाइल डेली की, और पूरा आपका 1 साल प्लान चलेगा। और जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको GB की लिमिट मिलती है, वो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आवर एजेंट्स पे जाके, जो भी ये एजेंट्स हैं, आप इनसे जो है जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपर ही मॉडल हैं। गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 है, S23 Ultra है, इसको आप इजीली FRP कर सकते हैं। ठीक है, ADL में करना पड़ेगा, बट लेकिन मे भी हो सकता, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई डाउनलोड मोड में तो हो नहीं रही है, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके ही करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मॉडल एंड यूज़ फंक्शन इज सैमसंग स्पेशल ग्रुप, यू कैन यूज़ नॉर्मल ADL केबल विथ माइक्रो USB टू USB-C कन्वर्टर। तो यहाँ पे जहाँ तक होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ADL करना ही पड़ेगा, फ़ोन को खोल के ADL फ़ोन करके तब करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है आपके लिए, लेकिन अभी सैमसंग का जैसे रेट है 300 400 500 ऐसे चलता रहता है, तो उससे अच्छा ये है बैक पैनल उतारो और आप इजीली उसका FRP कर सकते हो। ठीक है, आज FRP हो रहा है, कल को KG भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक बार जो है ना साथ में आ जाती है डेवलपर्स के, तो फिर वो उससे कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इंतज़ार करो कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे A52 5G, ये जो है सारे अपर मॉडल हैं। ठीक है, जो इनके हायर मॉडल हैं वो हैं यहाँ पे क्वालकॉम के सेट हैं। तो ये, और इस वीडियो को ना शेयर कर दिया करो ग्रुप में, ताकि लोग कहीं पे फंसे नहीं, उनका पैसा बर्बाद ना हो। मैंने पहले मीडियाटेक की वीडियो बनाई थी, मीडियाटेक को आप डाउनलोड मोड में कर सकते हो, उसमें फ़ोन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डाउनलोड मोड में अनलॉक टूल से FRP कर सकते हो। अब अगर आपने वो वीडियो शेयर करी होगी, आपकी वजह से एक दो बंदा उसमें कटने से बच गया होगा, कहीं फंसने से बच गया होगा। ठीक है, वो डाउनलोड मोड में इजीली FRP कर सकता है। तो ये वाली वीडियो शेयर कर दोगे तो भाई बैक पैनल खोल के वो फ्री में इसको FRP कर सकता है। UMT होगी उसके पास, UMT से कर देगा वो। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ। अभी इसका जो और जो इसमें अपडेट आया है वो देखेंगे कि इसका रीसेट FRP फैक्ट्री रीसेट आप इसमें कर सकते हैं, ADL में लॉस्ट मोड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे लॉस्ट मोड रीसेट क्या होता है, तो लॉस्ट मोड में रीसेट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये जो है ना, इन्होंने जिप बना दिया एक तरीके से, कई सारे जो टैब्स थे उनको एक ही मेन्यू में डाल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी। अभी इसका इनका आपका रीसेट का ऑप्शन देखोगे ना, डिसेबल लॉग, रीसेट लॉग, ये फॉर्मेट FS पता नहीं क्या क्या बना हुआ था, उसको जिप करके और इन्होंने एक टैब में बना दिया। एक टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तब ये नीचे सारे फंक्शन आएंगे, तो उस हिसाब से आपको जो फंक्शन यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। थोड़ा साफ़ सुथरा इंटरफेस हो चुका है कुल मिला के, बात ये है। ठीक है, तो ये इसमें अपडेट है। और सिक्योरिटी फंक्शन में क्या है कि इनेबल डायग मोड कर सकते हैं, रिपेयर IMEI, बैकअप QCN, रिस्टोर QCN, बैकअप EFS, रिस्टोर EFS। तो ये आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है उसको बैकअप और रीड करने का, राइट करने का ये ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें ये आपको दे रखा है कि भाई इसमें आप इसकी जो फाइल्स होती हैं उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन शायद आपके काम का ना हो, जो बंदे फाइल को एडिट वगैरह करते हैं उनके लिए है। ठीक है, जो फाइल्स वगैरह की वेबसाइट चलाते हैं, FRP फाइल वगैरह निकालते हैं, उनके पार्टीशन से छेड़छाड़ करते हैं, तो उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अपडेट है भाई UMT का, और
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल को दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।